कि जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो उसमें भगवान श्री जी को सिंहासन सहित थाली में रखना चाहिए या भगवान अकेले उठा करके रखना चाहिए? उज्जवर मांगनंदी महाराज ने तो सिंहासन का प्रयोग किया है। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजादि तप निवारक भूषिताग्रे, अंत में जाकर उन्होंने सिंहासन शब्द का प्रयोग किया, सिंहासन आश्रयामी, ऐसा तो आश्रय सिंहासन का ही लेना चाहिए। लेकिन समस्या क्या होती है, सिंहासन पर रखने पर आप लोग इस तरीके से अभिषेक करते हैं कि जितने जब जब सिंहासन पर रखे एकाध बार भगवान गिर ही जाते नीचे, इसलिए डायरेक्ट पांडव शिला पर रखना पड़ता है कि जिससे गिर नहीं जाए, क्योंकि पांडव शिला पर सिंहासन रखेंगे थोड़े से धक्के में भगवान गिर जाते, सावधानी के अभाव में सिंहासन हटाना पड़ रहा है। यदि अच्छे ढंग से सावधानी पूर्वक विवेक पूर्वक यदि करते हैं तो पांडुक शिला के ऊपर श्रीकार लिखो, उसके ऊपर सिंहासन रखो, वो जो जल है वो श्री को छूता हुआ आवे। लेकिन यदि गिरने की संभावना हो और गिरने का डाउट हो तो आपको सिंहासन न लगा करके सीधे पांडुक शिला पर रख देना ठीक है। सिंहासन नहीं लगाने का उतना बड़ा दोष नहीं है जितना भगवान के गिर जाने का महादोष है, इसलिए बाकी सिंहासन का उपयोग कर ले सर, कर महाराज सकते। जी अभिषेक के समय कई बार बहुत छोटी छोटी प्रतिमाएं रख देते हैं जो कलश ढारते समय गिर जाती हैं, तो महाराज जी ऐसा भी कोई नियम होना चाहिए कि अभिषेक करते समय कितने इंच की प्रतिमा वहां पर रखी कम से जाए? कम 7 से 9 इंची की प्रतिमा होना चाहिए, 7 इंची या 9 इंची प्रतिमा रहे, जिससे दूर से पूरे मंदिर के गेट से मूर्ति का चेहरा दिखना चाहिए। कम से कम जो मंदिर होता है उसके अंदर जितने लोग बैठे हैं तो 9 इंची मूर्ति आराम से, सबसे बढ़िया अभिषेक के लिए 9 इंची की मूर्ति सबसे अच्छी है।